बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी मुल्हाल मुगलां। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें। आज का हमारा सबक है पढ़ें, पेंसिल फेरें और लिखें। आज हम भारी आवाज़ का तारफ करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है बे की आदि शक्ल। बे की आदि शक्ल को जब हम दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। बे हे की बनी भे, ये क्या हो जाएगा? बे हे की बनी भे। बे के नीचे एक नुक्ता है, ये बे की आदि शक्ल है। इसके साथ है दो चश्मी हे, दो आंखों वाली हे, तो ये क्या बन जाएगा? बे हे की बनी भे। अब हम आगे, ये हमारे पास पे की आदि शक्ल है। पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, पे के साथ भी दो चश्मी हे है, तो ये क्या बन जाएगा? पे हे की बनी फे। पे हे की बनी फे। आगे हमारे पास ते की आदि शक्ल है। ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, ते के साथ भी दो चश्मी हे है, तो जब ते को हम दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ते हे की बनी थे। ते हे की बनी थे। ये भारी अल्फाज होंगे, ते हे की बनी थे। आगे हमारे पास ते की आदि शक्ल है। ते के ऊपर टोपी है, ते को जब हम दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो इसकी आवाज भारी हो जाएगी, ये बन जाएगा टे हे की बनी ठे। टे हे की बनी ठे। आगे हमारे पास जीम की आदि शक्ल है। जीम के नीचे एक नुक्ता है, जीम को हमने दो चश्मी हे के साथ जब मिलाना है तो इसकी आवाज भी भारी हो जाएगी, ये बन जाएगा जीम हे की बनी झे। जीम हे की बनी झे। अब हम इसे लिखेंगे। बे की आदि शक्ल है। बे के साथ हमने दो चश्मी हे को मिलाना है, दो आंखें बनानी है दो चश्मी हे की, नीचे एक नुक्ता, बे हे की बनी भे। बे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, नीचे एक नुक्ता, बे हे की बनी भे। बे की आदि शक्ल बना के दो चश्मी हे की दो आंखें बनानी है और नीचे एक नुक्ता, बे हे की बनी भे। बे हे की बनी भे। बेहे की बनी भे। जब हम किसी भी शक्ल के साथ दो चश्मी हे को मिलाएंगे तो उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, बेहे की बनी भे। बे की आधी शक्ल बनाई, दो आंखें बनाई दो चश्मी हे की, नीचे एक नुक्ता, बेहे की बनी भे। बेहे की बनी भे। बे की आधी शक्ल बनाई, सात दो चश्मी हे की आंखें, एक नीचे उसी ऊपर, बेहे की बनी भे। बेहे की बनी भे। आगे हमारे पास है फे। फे के नीचे तीन नुक्ते हैं, ये पे की आदि शक्ल है। पे की आदि शक्ल के साथ दो चश्मी हे है, पे हे की बनी फे। इसकी आवाज भी भारी होगी है, जब दो चश्मी हे पे के साथ मिली है तो पे हे की बनी फे। सबसे पहले हम पे की आदि शक्ल बनाएंगे, दो चश्मी हे की दो आंखें, नीचे एक दो तीन नुक्ते, पे हे की बनी फे। पे की शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, नीचे तीन नुक्ते, पे हे की बनी फे। इसी तरह आगे पे की आधी शक्ल बना के दो चश्मी हे की दो आंखें बनानी है, नीचे तीन नुक्ते, पे हे की बनी फे। पे हे की बनी फे। पे हे की बनी फे। पे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, नीचे तीन नुक्ते, पे हे की बनी फे। पे की आदि शक्ल बना के दो चश्मी हे की आंखें बनानी है, नीचे तीन नुक्ते, पे हे की बनी फे। पे हे की बनी फे। पे हे की बनी फे। आगे हमारे पास है ते की आदि शक्ल। ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, ते के साथ दो चश्मी हे है, इसकी आवाज भी अब भारी हो जाएगी, ते हे की बनी थे। ते हे की बनी थे। ते की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, ऊपर दो नुक्ते, ते हे की बनी थे। ते की आदि शक्ल बना के नीचे दो चश्मी हे की दो आंखें बनानी है, ऊपर दो नुक्ते, ते हे की बनी थे। ते की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, ऊपर दो नुक्ते, ते हे की बनी थे। ते हे की बनी थे। ते की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी हे की दो आंखें, ऊपर दो नुक्ते, ते हे की बनी थे।
ते है की बनी थे, ते है की बनी ते है की बनी थे। आगे हमारे पास है टे की आदि शक्ल, टे के ऊपर टोपी है, टे के साथ है दो चश्मी है, टे है की बनी ठे। सबसे पहले हम टे की आदि शक्ल बनाएंगे, साथ दो चश्मी, ए की दो आंखें, ऊपर टे की टोपी, टे है की बनी ठे। टे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, ए की दो आंखें, ऊपर टे की टोपी, टे है की बनी ठे। टे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, ए की दो आंखें, टे की टोपी, टे है की बनी ठे। टे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, ए की दो आंखें, टे की टोपी, टे है की बनी ठे। टे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, ए की दो आंखें, ऊपर टे की टोपी, टे है की बनी ठे। टे की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, ए की दो आंखें, ऊपर टे की टोपी, टे है की बनी ठे। जब टे के साथ हम दो चश्मी हे को मिलाएंगे तो इसकी आवाज भारी हो जाएगी, टे हे की बनी ठे, टे हे की बनी ठे। आगे हमारे पास है जीभ की आदि शक्ल, जीभ के नीचे एक नुक्ता है, जीभ के साथ आगे दो चश्मी हे है, जीभ हे की बनी झे। सबसे पहले हम जीभ की आदि शक्ल बनाएंगे, नीचे एक नुक्ता, साथ दो चश्मी, हे की दो आंखें, जीभ हे की बनी झे, जीभ है की बनी झे। जीभ की आदि शक्ल बनाई, साथ दो चश्मी, है की दो आंखें, नीचे एक नुक्ता, जीभ है की बनी झे, जीभ है की बनी झे। जीभ की आदि शक्ल बनाई, जीभ की दो आंखें, दो चश्मी, है की जीभ का नुक्ता, जीभ है की बनी झे। जीभ की आदि शक्ल बनाई, दो चश्मी, है की दो आंखें, नीचे एक नुक्ता, जीभ है की बनी झे, जीभ है की बनी झे, जीभ है की बनी झे। सबसे पहले हम बे की मुकम्मल शक्ल बनाएंगे, बे के नीचे एक नुक्ता, जब बे दूसरे हरूफ के साथ मिलती है तो बे आदि शक्ल के साथ मिलती है, बे की आदि शक्ल बनाई, बे के नीचे एक नुक्ता। आगे हम दो चश्मी हे बनाएंगे, जब बे के साथ दो चश्मी हे मिलेगी तो बे की आवाज भारी हो जाएगी, बे हे की बनी भे, बे हे की बनी भे। आगे भे से हमारी किताब में कौन सा लफ्ज है, भेड़, भई ये भेड़ है, माकू भेड़। सबसे पहले हम भे की शक्ल बनाएंगे, भे के नीचे एक नुक्ता, आगे ये की आदि शक्ल बनाई, ये के नीचे दो नुक्ते, आगे रे, रे के ऊपर टोपी, भे ये भेड़ रे माकू भेड़। आगे फिर हम भे की शक्ल बनाएंगे, भे के नीचे एक नुक्ता, आगे ये की आदि शक्ल, ये के नीचे दो नुक्ते, आगे रे के ऊपर टोपी, भे ये भेड़ रे माकू भेड़। आगे अब हम पे की मुकम्मल शक्ल बनाएंगे, पे के नीचे तीन नुक्ते, जब पे भी दूसरे अल्फाज के साथ मिलती है तो अपनी आधी शक्ल के साथ मिलती है, पे की आधी शक्ल बनाई, पे के नीचे तीन नुक्ते, आगे दो चश्मी है, जब पे दो चश्मी है के साथ मिलेगी तो इसकी आवाज भारी हो जाएगी, पे है की बनी फे। आगे हम लिखेंगे पे है की बनी फे के नीचे तीन नुक्ते। अब फे से हमारी किताब में है फेलाम फल। सबसे पहले हम फे बनाएंगे, फे की दो आंखें, फे के नीचे तीन नुक्ते, सात लाम, फे लाम फल, फे बना के फे के नीचे तीन नुक्ते, सात लाम, फे लाम फल। आगे हम ते की मुकम्मल शक्ल बनाएंगे, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते भी जब दूसरे रूप के साथ मिलती है तो अपनी आधी शक्ल के साथ मिलती है, ते की आधी शक्ल बनाई, साथ दो चश्मी है, जब ते के साथ दो चश्मी है मिलेगी तो इसकी आवाज भारी हो जाएगी, ते है की बनी थे लिखेंगे। अब थे से हमारी बुक में है थैला, थे ये थे लाम अलिफ ला थैला। सबसे पहले हम थे बनाएंगे,
आगे ये की आधी शक्ल बनाई, ये के नीचे दो नुक्ते, आगे लाम की आधी शक्ल, सात अलिफ, लाम अलिफ ला, थे ये थे, लाम अलिफ ला थैला, थे की आधी शक्ल बनाई, आगे ये की आधी शक्ल, सात लाम, लाम के साथ अलिफ, थे ये थे, लाम अलिफ ला थैला, ए टे के ऊपर टोपी, टे भी जब दूसरे रूप के साथ मिलती है तो अपनी आधी शक्ल के साथ मिलती है, टे की आधी शक्ल बनाई, टे के ऊपर टोपी, आगे दो चश्मी है, जब टे भी दो चश्मी है के साथ मिलेगी तो इसकी आवाज़ भी भारी हो जाएगी, टे है की बनी ठे, टे है की बनी ठे, ठे से हमारी किताब में है, ठे ये ठे, लाम अलिफ ला ठेला, आगे हम ठे की शक्ल बनाएंगे, आगे ये की आधी शक्ल, टे के ऊपर टोपी, ये के नीचे दो नुक्ते, आगे लाम की आधी शक्ल, लाम के साथ अलिफ, ठे ये ठे, लाम अलिफ ला ठेला, आगे ठे, ठे के ऊपर टोपी, ठे के साथ ये की आधी शक्ल, ये के नीचे दो नुक्ते, आगे लाम की आधी शक्ल, लाम के साथ अलिफ, ठे ये ठे, लाम अलिफ ला ठेला, आगे हम बनाएंगे जीव, जीव के पेट में एक नुक्ता, जीव भी जब दूसरे रूप के साथ मिलता है तो अपनी आधी शक्ल के साथ मिलता है, जीव की आधी शक्ल बनाई, जीव के नीचे एक नुक्ता, आगे दो चश्मी है, जब जीव भी दो चश्मी है के साथ मिलेगा तो इसकी आवाज भारी हो जाएगी, जीव है की बनी छे, छे के नीचे एक नुक्ता, आगे जीव से कौन सा लफ्ज बनता है हमारी किताब में, झे नून झंडा, ललिप डा झंडा, अब हम लिखेंगे झंडा, सबसे पहले हम झे बनाएंगे, झे के साथ हम नून की आधी शक्ल बनाएंगे, आगे डाल, डाल के ऊपर टोपी, झे नून झंडा, ललिप डा झंडा, झे की शक्ल बनाई, नीचे एक नुक्ता, साथ नून की आधी शक्ल बनाई, नून का नुक्ता, आगे डाल, डाल के ऊपर टोपी, सात अलिफ, जे नून झंडा, ललिप डा झंडा। आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म हुआ, आपने इसे अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है, अपना ख्याल रखना है, अल्लाह हाफिज़।